दिन हो गए आपको सिंगल डिजिट बता रहा हूं मैं, तो उसमें आपको 3 रो के बताया मैंने, 4 रो के भी बताया, और कल कुछ क्वेश्चन आपको 5 रो के भी बताए मैंने। तो 5 रो के क्वेश्चन बहुत कम हुए हैं, तो उन क्वेश्चनों को आज और करेंगे अपन, 5 रो के क्वेश्चन को। तो मैं 5 रो के क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, और कल आपको जो मैंने लास्ट में बताया कि आप जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो अपनी एक नोटबुक में उतारें, और उसके बाद उन क्वेश्चनों को अपनी जो अपन को तरीका बताया गया है उस तरीके से उस क्वेश्चनों को करके देखें, हो रहा है कि नहीं हो रहा आपसे। हो रहा है तो उसका आंसर निकालें और फिर वापस चेक करें कि हमारा आंसर सही है या गलत है। किया होगा आपने, नहीं किया है तो आज कर लेना आप। जितने भी क्वेश्चन आज तक आपने दिया, जो भी जिस जिस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उन सारे क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में उतारें और उसके बाद उनके आंसर निकालें आप। इस चीज का ध्यान रखें आप, जितनी बार आप प्रैक्टिस करते जाओगे और उनको आंसर रिपीट करते जाओगे तो आपके लिए फायदा होगा और स्पीड भी बढ़ेगी आपकी। अपन को पता है कि अपन शुरू से धीरे धीरे चलने शुरू होते हैं फिर बाद में अपन फास्ट चलते हैं, उसी प्रकार से अपन पहले धीरे धीरे चलेंगे फिर फास्ट बन जाएंगे अपने आप में। जो तरीका बताया उस तरीके से अपन करेंगे। तो अब मैं आपको 5 रो के क्वेश्चन दे रहा हूं और उनको करके देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 3 -2 -5 3। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन का 8 -5 1 -3 5। क्वेश्चन नंबर 3 5 4 -3 2 -1। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन का 6 2 1 -2 -5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन का 2 5 1 -7 3। मैंने जो बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखे हैं उनको आप मेरे साथ में सोल्व करने हैं। तो अपन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये जो सिंगल डिजिट वाले हैं ये इनके आंसर सिर्फ राइट हैंड पे ही निकलेंगे अपन के, इसका भी ध्यान रखना है, नहीं कि लेफ्ट हैंड पे निकाल पाएंगे अपन। लेफ्ट हैंड तभी काम आएगा जब अपन डबल डिजिट में चलेंगे, तो सिंगल डिजिट में अपन राइट हैंड भी निकाल पाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का ये, अपन शुरू में ऐसा करना है अपन को 0 बना के रखना है, हैंड पे 0 बना के रखना है, हैंड को अपन के सामने रखना है, फिर उसके बाद में जो जो संख्याएं दी हुई है उसको साथ में बोलते जाना है और बनाते जाना है और दिमाग में भी रखने उस संख्याओं को। तो अपन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 0 बना लिया अपन ने, 5 3 1 2 3 -2 -2 करने के लिए 1 और ये 2, -2 हो गया। -5 -5 करने के लिए हमको डाउन करना है, -5 3।
थ्री बनाने के लिए 1, 2, 3, तो आंसर अपन का आ रहा है 4। आंसर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो स्पष्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अपन का 4। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन का, तो वही 0 बनाना है पहले अपन को, फिर स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 8, 5, 6, 7, 8। 8 में -5 करना है, -5 करने के लिए थंब को डाउन करना है, तो -5, 1, 1 ऐड करना है, -3 के लिए 1, 2, 3, 5 ऐड करना है, तो ये 5, तो आंसर अपने क्या होगा? 6। आपके भी आ रहा होगा आंसर, नहीं आ रहे हैं तो आ जाएंगे आंसर, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। फिंगर किसी के खड़े नहीं होते हैं, धीरे धीरे ये खड़े होने लग जाएंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी, तो अपना आप आंसर सही आते जाएंगे अपन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर थ्री में वो 0 बना लो, राइट हैंड पे अपन का। क्वेश्चन नंबर 3 है 5, 4, 1, 2, 3, 4, -3 के लिए 1, 2, 3, 2, -1, तो आंसर अपने क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? 7। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 7 है, वापिस निकाल के देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4, वही फिंगर पे हैंड पे 0 बनाना है पहले। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले 6 बनाना है, तो 5 और 1, 6 बन गया अपन हैंड पे। अब 2 ऐड करना है, तो 1, 2, 1 ऐड करना है, कर दिया, -2, 1 और 2, -2 कर दिया, -5, -5, तो आंसर अपना क्या आया? 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, उनको निकालना है अपन को, तो 2, 5, 1, -7, -7 करने के लिए 5, 6 और 7, 3 ऐड करना है, 1, 2, 3, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 4। आराम से निकाल पाओगे। अभी मैंने बहुत ही धीरे गति से बताया, इनको फास्ट गति से भी अपन कर सकते हैं, जब हम पूरी विधि सीख जाएंगे और जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे, तो अपन इन प्रश्नों को बहुत अधिक फास्ट गति से भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन वापिस बता रहा हूं, स्पीड से बता रहा हूं, थोड़ा सा देखना फास्ट गति से कैसे करते हैं वो भी देखना आप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5, 3, -2, -5, 3, आंसर 4। यानी फास्ट गति से भी कर सकते हैं। अपन को ऐसे बोल दिया जाए कि ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसको आंसर निकालना है, तो अपन इतना फास्ट नहीं निकाल पाएंगे जितना अभ्यास के द्वारा, अभ्यास की विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे 5 + 3 करना है, फिर -2 करना है, फिर -5 करना है, फिर 3 ऐड करना है, तो उतना फास्ट नहीं निकाल पाएंगे जितना अभी आप अभ्यास से निकाल पाओगे। जैसे वापिस देखना 5, 3, -2, -5, 3, आंसर 4। आंसर को यानी फास्ट गति से भी आंसर सही आ रहा है और जल्दी भी आ रहा है अपन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका वापस देखना है 8, -5, 1, -3, 5, आंसर 6। यानी स्पीड से भी अपन निकाल पा रहे हैं आंसर आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 है 5, 4, -3, 2, -1,
आंसर सेवन। क्वेश्चन नंबर फोर है, सिक्स टू वन माइनस टू माइनस फाइव आंसर टू, आ रहा है आंसर टू। क्वेश्चन नंबर फाइव है, उसको भी अपन स्पीड से कर रहे हैं, टू फाइव वन माइनस सेवन थ्री, तो आंसर आ रहा है फोर, सही आंसर है फोर भी है आंसर। तो अपन धीरे धीरे सीखेंगे, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी अपन की। अभी आप मेरे साथ इतने फास्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब आप काफी प्रैक्टिस करते रहोगे और प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फिंगर पे करो बनाओगे, तभी आप फास्ट कर पाओगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन आज तक आपको जो भी क्लास में दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिखें और उसके बाद में उनका साथ में आंसर नहीं लिखना है। जैसे मैंने आंसर लिखा तो ये आंसर आपको साथ में नहीं लिखना है, आंसर निकालना है पहले आपको, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है आपको, क्वेश्चन लिख के फिर उसका आंसर निकालना है, फिर वापस वीडियो में से देख के मिलान भी कर सकते हो आप, या आप किसी तरीके से और भी धीरे धीरे निकाल के भी आंसर चेक कर सकते हो अपना, सही आ रहा है नहीं आ रहा, अपन जो सर ने विधि बताई उस विधि से क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है। जितने क्वेश्चन अधिक करोगे उतनी स्पीड आपकी अधिक होगी, तो ये भी ध्यान रखना, आपको जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अपन को लिखना है। और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, सिक्स फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सिक्स थ्री माइनस नाइन एट माइनस टू। क्वेश्चन नंबर टू है, थ्री फाइव माइनस टू थ्री माइनस सिक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वन सिक्स टू माइनस फोर माइनस फाइव। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर फाइव माइनस सेवन सिक्स माइनस थ्री आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, टू फाइव टू माइनस थ्री टू। और आपसे पांच क्वेश्चन और करवा रहा हूं, मेरे हिसाब से आपको काफी समझ में आया होगा सिंगल डिजिट, तो यदि नहीं आया है तो सारे वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी स्टूडेंट ने आज ही क्लास ज्वाइन की है तो वो पीछे के जो वीडियो है उनको देखें, उसके बाद में समझ में आएगा, आज सीधा आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि जो पीछों के वीडियो है उसमें बताया हुआ है फिंगर की वैल्यू क्या है, थंब की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज बताई हुई है, तो पीछे का वीडियो है वो आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको ओपन कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अपन का सिक्स, तो फाइव और वन सिक्स हो गया, इसमें थ्री एड करना है तो वन टू थ्री, आराम से धीरे धीरे बनाना है। फिर इसमें नाइन माइनस करना है, माइनस नाइन करने तो मैंने बताया आपको कि सारे सारे फिंगर और थंब जब ओपन रहते हैं तो उसकी वैल्यू नाइन ही होती है,
तो अभी 9 बना हुआ है, माइनस 9 करना है तो माइनस 9 कर दो, 5 6 7 8 9 हो गया 8 5 6 7 8 माइनस 2 1 2 तो आंसर क्या आ रहा है अपन का 6। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर 6 आ रहा है। वापिस बताता हूं एक बार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 3 -9 8 -2 तो आंसर 6। फिंगर पे भी 6 आ रहा है, आराम से धीरे धीरे निकाल पाओगे आप, फिंगर से आप स्पीड से निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका स्टार्ट करते हैं 3 5 -2 1 2 3 -6 -6 करेंगे 5 और इधर से 1 5 और 1 6 हो गए -6 तो आंसर क्या आ रहा है अपन का 3 आ रहा है, आंसर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास में, उसका आंसर निकालते हैं 1 6। अब 1 तो बना लिया, अब इसमें 6 ऐड करना है तो 5 और 1 6 बना लिया, इसमें अब 2 ऐड करना है तो 1 और 2 -4 करना है तो -4 1 2 3 4 -5 तो आंसर क्या हुआ अपन का 0। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 4 5 -7 5 6 7 6 5 1 6 -3 तो आंसर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर 2 5 2 -3 2 तो आंसर होगा 8। देखो एक बार वापिस 2 5 2 -3 2 तो आंसर क्या हो रहा है 8। आराम से निकाल पाओगे आप। जितने भी आपने सिंगल डिजिट के क्वेश्चन किए हैं उनको वापस रिपीट भी करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, सारे रिपीट करना है, सारे लिखने हैं क्वेश्चन। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, डबल डिजिट शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंगल डिजिट ही पहले स्पीड बनाएंगे अपन सिंगल डिजिट में, तो ये अपन डबल डिजिट वाले थोड़ा सा आसानी से निकाल पाएंगे। तो इनको वापिस रिपीट कर रहा हूं, स्पीड से करना है अपन को क्वेश्चन को, जितनी ज्यादा ओरल करेंगे अपन उतना ही अपन के लिए फायदा होगा। तो अपन क्वेश्चन और फर्स्ट से वापिस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से बोलूंगा मैं क्वेश्चन, आपको भी करना है साथ में, मैं भी कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6 3 -9 8 -2 तो आंसर 6। इतने स्पीड से करें तो भी आंसर सही आ रहा है अपन का, आ रहा है ना। देखो 6 3 -9 8 -2 तो आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 5 -2 3 -6 तो आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 6 2 -4 -5 तो आंसर क्या रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 0 ही है। क्वेश्चन नंबर 4
फोर फाइव माइनस सेवन सिक्स माइनस थ्री, तो आंसर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, टू फाइव टू माइनस थ्री टू, आंसर एट। आ रहा है एट आंसर? तो जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको एक नोटबुक में लिखना है और उनके आंसर निकालना है, आंसर साथ में नहीं लिखना है। मैंने पहले ही बताया और भी बता रहा हूँ आपको, यदि किसी बच्चे ने आज ही लाइव क्लास स्टार्ट की है तो वो बच्चा पहले जो क्लासें ली गई हैं, जो वीडियो पीछे के वीडियो हैं उनको देखें, जो फर्स्ट दिन वीडियो जो क्लास शुरू हुई थी उस वीडियो को देखें, तब आपके समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहे हैं फिंगर पे। इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। तो और आपको वन से लगा के 99 तक काउंटिंग हमेशा बनानी है, ऐसा नहीं कि आज आपको बताया मैंने उस दिन ही बनाई, नहीं, कम से कम रोज बनाना है आपको, दो या तीन बार तो बनाना है आपको, घर पे आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वापिस में वन से लेके 99 तक काउंटिंग बता रहा हूं आज आपको, क्योंकि कल अपन डबल डिजिट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले 99 तक काउंटिंग यदि किसी बच्चे के पीछे रह गई है, समझ में नहीं आई हुई है, तो वो पीछे का वीडियो जरूर देखें, लेकिन फिर भी आज आपको मैं वापिस एक बार बता देता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, अपन का जो राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, दोनों हैंड अपन के सामने रखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे सामने रखना आप, मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आपको आराम से दिखे, मैं ऐसे सामने रखूंगा आपको पता नहीं चलेगा क्या बनाया हुआ है, तो मैं ऐसे रख रहा हूँ लेकिन आपको सामने रखना है ऐसे, और दोनों हैंड पे जीरो बनाना है, और जीरो इस प्रकार से बनाना है, और हैंड इस प्रकार रखना है आपको। राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे अपन, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यानी किसी की वैल्यू समझ में नहीं आई हुई है कि ये फाइव कैसे बोले, तो एक बार मैं वैल्यू बता देता हूँ आपको, स्टार्ट कर दिया मैंने लेकिन वैल्यू नहीं बताई, वैल्यू बता देता हूँ आपको। जो ये फोर फिंगर है इनकी वैल्यू वन वन होती है, जो थम होता है उसकी वैल्यू फाइव होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि थम की वैल्यू है वो फाइव है और जो फोर फिंगर है उसकी वैल्यू वन वन है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। राइट हैंड पे अपन नाइन तक ही बना पाएंगे। अब नाइन से आगे अपन को टेन बनाना है, टेन बनाने के लिए लेफ्ट हैंड पे अपन को वन फिंगर खड़ा करना है और राइट हैंड पे अपन को जीरो बनाना है, तभी टेन बन पाएगा। तो नाइन तक हो गया, टेन बनाने के लिए इधर जीरो बनाना है अपन को राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे वन फिंगर ओपन करना है, तब वन जीरो टेन होता है, अपन टेन लिखते हैं तभी ऐसा दिखाई दे रहा है अपन को, वन जीरो टेन होता है। जब जीरो बना होगा राइट हैंड पे तभी टेन होगा, वैल्यू इनकी बराबर ही है, इसकी वन वन है लेकिन इसकी टेन तब हो जाती है जब राइट हैंड पे जीरो बना हुआ रहता है। तो राइट हैंड पे अपन ने जीरो बना लिया, तब वन जीरो टेन हो गया। अब इससे आगे चलना है अपन को, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। इधर टू फिंगर खड़े हैं अपन के, इधर जीरो है तो ट्वेंटी हो गया, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन। इधर टू है, इधर नाइन है तो ट्वेंटी नाइन थर्टी थ्री जीरो थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन।
4040, इधर 4 है इधर 0 है, 4040, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, यानी दोनों थंब खड़े हैं, ओपन है, तो अपन के फिंगर पे बना, हैंड पे बना 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, यानी दोनों हैंड है अपन के, उनके सारे फिंगर और थंब ओपन है, तो ये समझना अपन के फिंगर और दोनों हैंड पे 99 बना हुआ है। क्या बना हुआ है? 99 बना हुआ है। ये काउंटिंग पहले ही आपको बताई गई है, आज मैंने वापस बता दिए, इसको आज आप रिवीजन करोगे वापस घर पे, मतलब वीडियो देखने के बाद में रिवीजन करोगे 1 से लगा के 99 तक, और इन प्रश्नों को भी आप सॉल्व करोगे फिंगर पे।